तो गाइस यार लगभग 2-3 महीने बाद अपने घर पर जा रहा हूँ अपनी आंटी के पास यार। और मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और आंटी को लगता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाता हूँ, इसलिए यार आंटी को झूठ बोलने की ये बाइक लेके आया हूँ। अरे आ गया तू, कहाँ मर गया था सुमित? अरे आंटी आ गया, देखो मेरी नई बाइक। अरे तेरी बाइक है ये? हाँ आंटी ये मेरी बाइक है, देखो अच्छी है ना काफी। कितने के लिए? अरे आंटी ये मेरी बाइक है 12 लाख रुपए की। क्या 12 लाख रुपए? इतने रुपए कहाँ से है तेरे पास? अरे आंटी कमाता हूँ यार मैं शहर के अंदर, जब इतनी महंगी बाइक खरीदी है, ये एक सुपर बाइक है, सुपर बाइक। अच्छा देखने दे मेरे को। अरे इसके ऊपर तो नंबर प्लेट नहीं है। अरे आंटी 2-3 दिन पहले खरीदी है ये मैंने, इसके ऊपर नंबर प्लेट कहाँ से आएगी? मैंने इसलिए खरीदी है कि आपके घर पर आ सकूं। अच्छा इतना अमीर हो गया तू? हाँ आंटी मैं बहुत पैसा कमाता हूँ शहर के अंदर। अच्छा अच्छा ओ बहुत महंगी लगती है। आंटी मैं बोला ना महंगी तो है ही, पैसा जो कमाता हूँ मैं। अरे बकवास मत कर, तो अभी तो चट्टी बनियान में घूमता है। अरे आंटी यार उसमें तो मुझे मजा आता है। अरे एक बार रुक जा, चला के देख रहे थे। ओ पिट्टी क्या आवाज है मोटरसाइकिल की, ओ माशाल्लाह। अरे आंटी बस 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 ज्यादा मत करो, इंजन खराब हो जाएगा। चुप रे, चला के देखने दे थोड़ी सी, मेरे को रोता रहता है जब भी देखती हूँ साले को। अरे आंटी आप भी कैसी बातें कर रहे हो? हाँ मतलब कमा रहे हैं, ढंग से रह रहे हैं ना वहाँ पर? हाँ हाँ बढ़िया रह रहा हूँ बढ़िया। हाँ जब से तेरी मम्मी गई है मुझे ही तेरा ध्यान रखना पड़ता है, तो अपने आप को संभाल भी नहीं पाता। अरे आंटी अब मैं बहुत अच्छा हो चुका हूँ, मैं पैसा भी कमाने लग रहा हूँ। हाँ अब तेरी शादी करवा देती हूँ बस मैं। अरे नहीं 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 आंटी। अरे क्या नहीं नहीं, एक तो लड़की नहीं मिलती तेरे लिए जल्दी सी। चल मैं चलती हूँ, ठीक है वापस आना 2-3 महीने बाद घूमने के लिए। चलो गाइस, और आंटी ने कितने क्वेश्चन पूछे थे यार मुझसे सेमी, मेरे को तो लगा मैं पकड़ा जाऊंगा पर बच गया भाई, बार बार आंटी को पागल बना दिया। पागल तो क्या बना दिया यार, चीजें मैं झूठ बोल के आया हूँ, पर गाइस क्या करूँ, अगर आंटी को पता लगेगा कि मैं शहर के अंदर कुछ नहीं करता, कमाता भी नहीं होता यार, आंटी के ऊपर क्या बीतेगी यार सही में। चलो वापस चलते हैं। तो भाई साहब मैंने ये बाइक यार असल में किराए पर तो ली थी, पर मैंने एक बार इसको चला के नहीं देखा यार, ये एक सुपर बाइक है ना, काफी स्पीड से चलती होगी, इसको भगा के देखते यार कितनी टॉप स्पीड इसकी। ओ भाई साहब मैं इसको हाईवे पे लेके आ चुका हूँ इसको भगाने के लिए, आज तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है सही में। ओ माय गॉड कितनी स्पीड है यार, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है इसके अंदर। ओ भाई भाई क्या स्पीड है इस बाइक की। ओए ओ शिट, ओ ये क्या हो गया, ओ माय गॉड। अरे यार इतना सारा ट्रैफिक था, ओ मैं बाइक से गिर गया। बाइक कहाँ चली गई? बाइक उठाता हूँ और जल्दी सी, और किसी की बाइक है यार, मेरी बाइक नहीं है, मैं तो किराए पर लेके आया था 10,000 रुपए देकर। अरे टूट वूट तो नहीं गई होगी? अरे बाइक कहाँ चली गई? गाइस बाइक कहाँ चली गई? यही तो होनी चाहिए। अरे बाइक कौन उठा ले गया बाइक को? अरे भाई साहब मेरी बाइक नहीं, प्लीज भाई कोई चोर उठा के ले गया तो वापिस दे जाओ यार, मेरे पास पैसे भी नहीं उसके देने के। कहाँ गई यार, इन झाड़ियों में तो नहीं घुस गई कहीं पर, देखता हूँ एक सेकंड। अरे कहाँ चली गई बाइक? अरे दिख जा। अरे यार बाइक कहाँ चली गई, एक सेकंड। अरे ये पड़ी यार झाड़ियों के अंदर, अभी बाहर निकालता हूँ इसको, चलो लेके चलता हूँ जल्दी से अब इसको। ओके टूटी वूटी नहीं लगता मेरे को बिल्कुल भी, उतर के देख लेता हूँ एक बार, पहले बाहर निकाल लेता हूँ इसको। अरे ये क्या, अरे ढंग से चल क्यों नहीं रही है यार, ये क्या बीमारी हो गई, एक सेकंड बाहर निकाल लेता हूँ ढंग से, अब उतर के देखता हूँ टूटी वूटी नहीं है कहीं से, कहीं यार पैसे लेने के देने पड़ जाए। ओ शिट, ओ भाई यार इसकी तो हेडलाइट टूट गई सामने से। ओ भाई इसकी हेडलाइट कम से कम 2 लाख रुपए की आती है, मेरे पास तो 2 लाख रुपए है नहीं यार, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा डैमेज आ गया। ओ भाई ये क्या हो गया, अब मैं यार क्या बोलूंगा जिसकी बाइक लेके आया था मैं, भाई वो तो मेरे को खा जाएगा और मेरे पास पैसे भी नहीं है यार, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई दोस्त के पास चलता हूं जो उधारी में पैसे दे दे, हाँ ये सही रहेगा। अरे ये क्या हो गया गाइस, ओ माय गॉड इसका अगला टायर फट गया, ओ शिट पिछला टायर भी फट गया। अरे 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 भाई साहब अगर इसको मैं ऐसे चलाऊंगा तो इसकी रिम बैंड हो जाएगी, और भाई यार इसकी रिम तो कम से कम 5 लाख रुपए की आती है। अरे इसको साइड में लगाता हूँ कहीं पर, बाइक की हो गई यार ऐसी तैसी, टायर फट गए, हेडलाइट टूट गई, अब मैं फूटने वाला हूँ यार बस। अच्छी ऐसी तैसी भाई मैं क्यों लेके आया इतनी ज्यादा महंगी बाइक, इसको साइड में लगाता हूँ, गोद से बाहर की बाइक लेके आया हूँ यार मैं, और ये टूट गई, अब इसका पैसा कैसे भरूं यार कुछ समझ नहीं आ रहा, और ऊपर से तुम्हारे भाई के पास फोन भी नहीं है, क्योंकि यार फोन भी तो महंगी चीज है ना, 10-12 हज़ार की आती, मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं, इसमें फोन नहीं रखता हूँ, कौन फोन मिलाएगा मेरे जैसे गरीब के पास, अब मैं क्या करूँ यार, किसी को बुला भी नहीं सकता हेल्प के लिए, साइड में बैठ के रो लेता हूँ थोड़ी देर, और क्या कर सकता हूँ यार मैं। अरे एक सेकेंड गाइज, यहाँ पर ये फोन कैसा रखा हुआ है, ये किसका फोन है, कोई देख तो नहीं रहा यार, लगता तो नहीं किसी का फोन है आसपास में, कोई है भी नहीं आसपास में यहाँ पर। चलो भाई यार फोन उठा लेता हूँ जल्दी सी। ओके तो भाई साहब मैंने ये फोन उठा लिया, अब जल्दी सी फोन मिलाता हूँ। अरे यार ये कैसा अजीब सा फोन है, इसके अंदर तो नंबर मिलाने का भी सिस्टम नहीं है। अरे यार पता ही नहीं क्या माइक सा छप रहा है, एक सेकंड देखता हूँ क्या है।
काश यार मेरी बाइक सही हो जाए, मजा सा आ जाए। यार इसके अंदर तो नंबर भी नहीं मिला सकता किसी के पास। अरे ये क्या भाई साहब, वो मेरी बाइक कैसे सही हो गई? ओ ये क्या चमत्कार है भाई, नए टायर्स डल गए और भाई देख रहे हो यार लाइट्स भी बिल्कुल सही हो गई। अरे भाई कैसे भी हुआ, छोड़ो छोड़ो, एक काम करता हूँ जल्दी से अब इसको लेके चलता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ यार। और तुम लोगों को बता देता हूँ, मैं जब से पूछ रहा हूँ ये बाइक किससे लेके आया हूँ, जब से कह रहा हूँ ये असल में मैं शिनचैन के शोरूम में से लेके आया हूँ, शिनचैन का एक शोरूम है। ओके तो गाइस यार फाइनली मैं आ चुका हूँ शिनचैन के शोरूम के पास, अब धीरे कर लेता हूँ बाइक, ज्यादा तेज भगा के लेके जाऊंगा तो बोलेगा बहुत तेज चलाई है बाइक। ओके तो गाइस यार हम लोग वापिस आ चुके हैं। अरे जल्दी आ जाओ सुमित भैया, बाइक लेके गए हो कब से पता है क्या? अरे क्या हो गया? अरे सुन यार तुमने एक घंटे के लिए मांगी थी बाइक और तुम लगभग चार घंटे से लहू चक्कर हो। अरे शिनचैन यार मैं क्या बताऊं? अरे क्या बताओगे? हाँ पैसे दो पैसे, चार घंटे के एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई। अरे कितने पैसे हो गए शिनचैन? अरे सुमित पहले 10,000 लिए थे ना, अब पूरे 60,000 रुपए निकाल दो। क्या 60,000 रुपए? हाँ सुमित भैया, अबे मेरे पास नहीं है 60,000 रुपए। सुमित भैया मुझे नहीं पता, वरना मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा, 60,000 रुपए तो मुझे किसी भी हाथ में चाहिए, वरना तुम्हारी किडनी निकाल लूंगा। अबे मेरी किडनी विडनी मत निकाल मेरे भाई। गाइस यार मैं इसको पैसे कहां से दूं यार? अरे सुमित भैया कुछ भी करो। ओ गाइस यार एक काम करता हूं, मेरे पास वो फोन है ना, पिछली बार मैंने उस फोन के अंदर बोला था ना जब मेरी बाइक सही हो गई थी, चलो उस फोन को निकालता हूँ। अरे सुमित क्या ब्ला 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 कर रहे हो, अब रुक जाना। अरे सुमित पहले बता रहा हूँ, अगर नहीं मिला ना पैसा तो मुंह पे इतनी तेज पा दूंगा। अब चुप रहने एक सेकंड, काश मेरे पास 1.5 लाख रुपए आ जाए यहाँ पर। सुमित भैया कहाँ पर है पैसे, जल्दी बताओ। देख ये आ गए। अरे सुमित भैया ये कहाँ से आ गए? अबे 1.5 लाख रुपए और थोड़े एक्स्ट्रा भी रख ले तू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 40,000 ले रहा था ना, ले 1.5 लाख ले तू। अरे सुमित भैया ये क्या चमत्कार है, तुमने उस फोन के अंदर बोला और तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपए आ गए, अब तो जाना है काम करे ना अपना। अरे सुमित भैया क्या कर रहे हो, एक बढ़िया सी बाइक मिल जाए। ओ गाइस देख रहे हो ना, मैंने जैसे फोन के अंदर बोला मुझे खतरनाक वाली बाइक भी मिल चुकी है यहाँ पर, कितनी ज्यादा ओसम बाइक है यार ये। अरे सुमित भैया ये सब क्या कर रहे हो मुझे तो बताओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुमित भैया तुम्हारे पास ये क्या चीज आ गई? चुप रहे, जाने दे मेरे को। अरे सुमित भैया कहाँ जा रहे हो, रुको तो एक बार बात सुनो मेरी, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब मुझे जाने दे यहाँ से। ओ गाइस यार मेरी तो लाइफ चमक गई भाई, किस्मत चमक गई यार, मुझे ये कैसा चमत्कारी फोन मिला है यार, इसके अंदर मैं जो भी चीज मांगता हूँ, जो भी चीज बोलता हूँ वो हकीकत में आ जाती है यार। हो चलो गाइस यार अब एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से एयरपोर्ट पे चलता हूँ, मैंने खतरनाक वाली चीज मंगाई है एयरपोर्ट के ऊपर। ओ ये भाई साहब आगे खतरनाक वाला स्टंट है और तुम्हारे भाई ये मारने वाला स्टंट, ये भाई साहब ओ माशाल्लाह उठा दी भाई आगे से, धुआं उठा दिया तुम्हारे भाई ने तो, ओ माय गॉड कितनी ज्यादा खतरनाक बाइक यार, सही में मजा आ गया यार, बहुत तगड़ी बाइक यार ये, सही में खतरनाक भाई खतरनाक। चलो गाइस तरफ तुम्हें दिखाता हूँ जल्दी से, ये देखो तुम्हारे भाई ने 3 नई मोटरसाइकिल मंगवाई है यहाँ पर, और देखो भाई तीनों की तीनों सुपर बाइक्स है, यहाँ पर निंजा H2R है, BMW S1000RR और यहाँ पर ZX10R भी है यार निंजा की। ओहो देख रहे हो, ओ माय गॉड गाइस कितनी महंगी महंगी बाइक है यार, इन सभी बाइक्स की कीमत 20 लाख से ऊपर और सबसे महंगी तो ये H2R है यार, कम से कम 80 लाख रुपीज की यार ये मोटरसाइकिल, 80 लाख। चलो गाइस यार देखते इस बाइक की पावर, अरे यार इसके अंदर तो एग्जॉस्ट ही नहीं लगा हुआ है यार, बिना एग्जॉस्ट के तो मजा भी नहीं आता यार सुपर बाइक चलाने में, क्योंकि एग्जॉस्ट की जब तक आवाज ना आए ना वो वाली ब्रुम 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 ब्रुम, जब तक मजा ही नहीं आता। और भाई इसकी व्हील देख लो कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, चलो इसको जल्दी से मॉडिफाई करवा के आता हूँ, इसके अंदर एग्जॉस्ट लगवाता हूँ जब मजा आएगा चलाने में। तो गाइस लो तुम्हारे भाई ने इसके अंदर फाइनली एग्जॉस्ट लगवा लिया, अब दिखाता हूँ तुम लोगों को एग्जॉस्ट, ये देखो एग्जॉस्ट लगवा लिया तुम्हारे भाई ने, अब देखना देख रहे हो गाइस यार कैसे पीछे से एग्जॉस्ट नोट निकल रहे हैं। ओ भाई अब देखो इसकी आवाज, ओ हो, चलो गाइस अब शहर के अंदर जाके हवाबाजी करते हैं सुपर बाइक लेके। ओ माय गॉड देख रहे हो क्या आवाज हमारी बाइक की, ये आगे से उठा दी तुम्हारे भाई ने, ये। चलो गाइस अब थोड़ी भीड़ में जाके दुआ कर देता हूँ भाई, दुआ धड़क कटा देता हूँ यार, सभी लोगों को दिखाता हूँ मेरे पास मेरी सुपर बाइक निंजा H2R भाई, अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं होती H2R, तुम्हारे भाई के पास है, देख रहा है? अरे वाह के बाइक है यार इसकी, हाँ देख 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 कितनी खतरनाक आवाज देख रहा है बाइक की मेरी, हाँ 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 बेटे मजा आ गया।
चलो गाइस यार शहर के बीचों बीच यहाँ पर आवाजें निकालता हूँ बाइक में से। ये ओ भाई कितनी लाउड है मेरी बाइक, गाइस देख रहे हो? ओ भाई ओ माय गॉड, क्या ही ओ माय गॉड क्या आवाज आ रही है हमारी बाइक में से यार। तुम लोग बताओ तुम्हें कैसी लग रही है यार ये आवाज, मस्त मजा आ रहा है। अरे रुको, चुप हो जाओ, बंद करो इस चीज को। अरे क्या हो गया? अबे कान में दर्द हो गया है हमारे, इस चीज को बंद करो, इतनी ज्यादा आवाज इस बाइक की। इसे बंद करो, हमारे कान के अंदर दर्द हो गया। अबे मेरी मर्जी, मेरी बाइक में कुछ भी करूँ, तुम लोगों के पास है तो तुम भी खरीद लो, पैसे है तो खरीद लो ना, मुझे क्या बोल रहे हो। मेरी बाइक मैंने भाई पैसे फूके 80 लाख रुपए इस चीज के लिए तो फूके हैं। ओए इसको बंद करता है नहीं करता है? अच्छा तेरी ऐसे जी धमकी दे रहा है मेरे को, बंद करता है नहीं करता है? साले तू होता कौन है मेरे को बंद करवाने वाला, मेरी बाइक को बंद करवाने वाला? हम बे तो यार मैं तो ऐसे धुआं धड़क का उठाऊंगा, ऐसी ब्रुम ब्रुम करूंगा। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस को फोन मिलाओ। हाँ मिला ले पुलिस को, क्या मैं पुलिस से डरता हूँ क्या? ओए लकड़बग्गे उतर बाइक से, जब से आवाज करे जा रहा है। ओ शिट यार पुलिस आ गई, मैं तो सोच रहा था पुलिस नहीं आएगी। ओए क्या बदतमीजी है ये, शहर के बीचे बीच ब्रुम 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 कर रहा है। तेरी मम्मी पापा नहीं है क्या? ये तेरे दादा नहीं है? यहाँ पर बुढ़ापे में लोग मरने हो रहे हैं, यहाँ पर ब्रुम ब्रुम कर रहा है। अरे सॉरी सर सॉरी। अरे काहे का सॉरी, चल तेरे को थाने लेके चलता हूँ, तेरे को भी समझाता हूँ कि ब्रुम ब्रुम कैसे कराते। चल तेरी थाने में निकालता हूँ ब्रुम ब्रुम। ओ भाई यार इन लोगों ने मुझे उठा के जेल में डाल दिया, इंस्पेक्टर साहब माफ कर दो। अभी रुक जा करवाता हूँ तेरी ब्रुम ब्रुम। अरे सर यार मेरी बाइक में कुछ भी करूँ ना? अरे पब्लिक प्लेस में थोड़ी करेगा ब्रुम ब्रुम, अपने घर पर करना खड़ा होके। अरे मेरे पास तो मेरा कोई घर ही नहीं है यार। अरे भैया मैं आ गया तुम्हें बचाने, चलो हम साथ में रहेंगे। अरे हट जाओ पुलिस वालों, तुम्हारी ऐसी ये लो दम 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 दम। अबे सिंचन तू। हाय समित भैया मैं आ गया तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने के लिए, चलो आ जाओ जल्दी से बाहर। ओ भाई सिंचन तू मुझे क्यों बचाने आया है? अरे सिंचन मुझे तुम्हारे साथ रहना है इसलिए। ओ भाई सिंचन खतरी हो गया तू तो। हाँ समित भैया मैं तो हमेशा से खतरी, चलो चल 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 जल्दी चल। अरे सिंचन तुम्हारी सुपर बाइक मंगाओ जल्दी सी, वो खतरनाक वाली जिसे तुम ब्रुम ब्रुम कर रहे थे। रुक जा अभी मंगाता हूँ। अरे सिंचन जल्दी मंगाओ तुम्हारे वो स्पेशल मोबाइल से, जल्दी मंगाओ मैं चला के देखूंगा बाइक। हाँ मंगा रहा हूँ, रुक जाना एक सेकंड में अभी आती होगी। ले आ गई जल्दी से बैठ। अरे सुन भैया तुम क्यों नहीं आ रहे? अबे मैं आ जाऊंगा, एक लोकेशन पे भेज रहा हूँ, वहां चलाता जल्दी सी, मैं पुलिस वाले को निपटा के आता हूँ। अरे सुन भैया मैं ही निपटा देता हूँ, तुम टेंशन मत लो, ये निपटा दिया मैंने इनको। ओहो तू इतनी टेंशन मत ले, जो लोकेशन दिए तेरे को वहां पहुंच जल्दी से, मैं भी आता हूँ। ठीक है सुमित भैया आ जाना जल्दी सी। ओ बेटे निंजा H2R क्या बाइक है, ओ मजा आ गया यार चलाने में, आगे से उठा दू लहरा दू नागिन बना दू। अरे सुमित भैया ने यही की लोकेशन दी थी, सुमित भैया है कहाँ पर? अरे यही लोकेशन है, यहाँ पर तो एक घर है, पहले तो कोई घर नहीं था यहाँ पर, ये किसका घर है? हेलो कोई है क्या यहाँ पर नींबू अधूना वाला? अरे सुमित भैया तुम सिंचन। अरे सुन भैया ये तो वो है ना ZX10R, हाँ तुझे भी पता है क्या? अरे सुमित भैया मुझे क्यों नहीं पता होगा, मुझे भी बाइक अच्छी लगती है, जब तो शोरूम खोला था, ये भी एक खतरनाक सुपर बाइक है। अच्छा तुझे भी पता है? हाँ सुमित भैया और ये किसका घर है? अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा ही घर होगा ना? अरे सुमित भैया अपना नया घर। हाँ सिंचन तो चलो गाइस तुम्हें जल्दी से अपने घर का टूर दे देता हूँ। देखो यार तुम्हारे भाई का नया घर कितना ज्यादा बड़ा है यार, उस पुलिस वाले ने बोला था ना कि अपने घर पर खड़ा होकर ब्रुम ब्रुम कर। भाई मैं तो पब्लिक प्लेस के अंदर ही ब्रूम ब्रूम करूंगा, पर अपने घर पर भी करूंगा यार। देखो यार तुम्हारे भाई का घर कैसा है यार, मैंने यहाँ पर बीच में घास भी उगवाई है यार, क्योंकि यार अपने घर के अंदर भी यार ग्रीन ग्रीनरी ग्रीनरी होनी चाहिए ना। और देखो ट्रेटर भी है तुम्हारे भाई के घर के अंदर। अरे समित भैया यहाँ पर चौको टिप्स मिलेंगे ना? अबे तू यहाँ पर कुछ भी ले ले सब मिलेगा। अरे समित भैया दीदी दीदी नहीं मिलेगी बस। अरे समित भैया अभी तो तुम बोले सब कुछ मिलेगा, अब तुम बोल रहे दीदी नहीं मिलेगी। अबे यार तू उल्टी बातें क्यों करता है 24 घंटे हमेशा? तो गाइस यार तुम लोग बताओ कि हमें सिंचन को दीदी दिलानी चाहिए या नहीं? हाँ गाइस यार मुझे दिलानी तो चाहिए, मैं इतना अच्छा आदमी जो हूँ। अरे आजा आजा देख इतनी सारी दीदी रही यहाँ पर। समित भैया शुक्रिया तुमने इतनी सारी दीदियों को बुलाया है यहाँ पर। हाँ हाँ ज्यादा खुश मत हो बस, ठीक है देख यहाँ पर और भी है। अरे समित भैया तुमने तो पूरा स्टॉक रख रखा है। सिंचन तू भी उल्टी बात मत कर। तो गाइस यार देख रहे हो कैसा लगा आपको मेरा घर, और यहाँ देखो लोकर के अंदर कितना सारा सोना है। यहाँ पर एक और दीदी सिंचन तेरे लिए। हेलो हाउ आर यू, व्हाट अबाउट मी, यू आर फाइन, मी आई फाइन। अरे सिंचन तेरी इंग्लिश ज्यादा खतरनाक है यार। अरे सिंचन मेरी इंग्लिश के बारे में बोलोगे तो पीट दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले भटके आए तो यार सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे इसको नई स्टोरी के साथ। जब तक लिए सायोनारा।